हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनंत वैसोनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे अगर आप वीडियोस में चेक करेंगे तो अमेज़ॉन सेलिंग के बारे में मैंने बताया हुआ था। यहाँ पे कुछ लोगों ने वीडियो देखा और उनका ये कहना था कि आप हमें प्रोडक्ट ऐड करके बताइए, शायद उनको ऐड करने में कोई इशू आ रहा होगा। चूंकि मैंने ये पूरा प्रोसेस आपको बताया था कि आपको यहाँ पे कैसे ये सारे टैप्स यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, साथ में ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे कंप्लीट करनी है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली होंगी। अगर आपने नहीं की हैं तो आप यहाँ पे ये वाला वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मेक मनी विद अमेज़ॉन इंडिया बिकम एन अमेज़ॉन सेलर। तो ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आप फुल प्रोसेस देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का, कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वैसे उसमें मैंने एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि आपको प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है, लेकिन यहाँ जो आज वीडियो रहेगा इसमें मैं आपको फुल डेमो दूंगा कि आपको यहाँ प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट लिस्टिंग पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सेलर सेंट्रल पे हैं तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री में जाके ऐड अप प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास दो या तीन यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, या तो होता है कि आप एक प्रोडक्ट ऐड करो, और सेकेंड ऑप्शन होता है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। वाया अपलोड में आपको CSV फाइल की जरूरत पड़ती है और CSV फाइल आपको ऑलरेडी क्रिएट करनी पड़ती है। वो लिस्ट आप पूरी एक बार में कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं ऐड अप प्रोडक्ट से। यहाँ पे आपको ऐड अप प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस आता है फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेज़न्स कैटलॉग। आपको पहले ये सर्च करना है अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है और आपका खुद का प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी उसको सेल नहीं कर रहा होगा तो आप यहां पे क्लिक करेंगे कि वो प्रोडक्ट आपका अमेज़न पर नहीं होगा अगर आप 100% श्योर हो। मान लीजिए कि आपने किसी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी ली है, चाहे वो फास्ट ट्रैक है, एप्पल है या किसी का भी, तो अगर आपने किसी की फ्रेंचाइजी ली है और वहां पे आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकते हैं स्टोर पर या फिर अमेज़ॉन पर। तो आपको उन प्रोडक्ट्स को सर्च करना है और वो सर्च करने के बाद उन प्रोडक्ट्स के अंडर में उसको लिस्ट कर देना है। लेकिन अगर आप अपना खुद का फ्रेश प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़े। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कैटेगरी पहले सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरीज देखना है। कुछ कैटेगरीज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉक है, तो अगर आपको इन कैटेगरीज में सेल करना है तो आपको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने जो भी मुझे सेल करना है उन सभी प्रोडक्ट्स के लिए मैंने लेके रखा हुआ है। तो जैसे अभी हम शूज एंड बैग्स में जाते हैं, शूज एंड हैंडबैग्स के बाद आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आपका अदर में है तो आप इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारा ये शूज है। और शूज में भी जैसे कि अभी मैंने एक ये कैजुअल शूज सिलेक्ट किया है कि ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट का है, मैं आपको इसी प्रोडक्ट को ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है मेन शूज में, तो मेन शूज हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमारा चूंकि ये कैजुअल शूज है इसलिए हम यहाँ पे कैजुअल शूज सिलेक्ट कर रहे हैं। कैजुअल शूज के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक सब कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आपका जो शूज है वो किस में आता है। आपका अगर बोट शूज है, बूट्स है, क्लॉक्स है, आपका जो भी शूट्स है, तो अभी हम फिलहाल के लिए अदर एंड कैजुअल शूज यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो आप यहाँ पे स्टार्स देख रहे हैं, ये स्टार्स होते हैं कि आप इस कैटेगरी को फेवरेट बनाना चाहते हैं, कि आपको नेक्स्ट टाइम ये चीज सर्च ना करनी पड़े, वो आपको फ्रंट में ही शो हो जाएगी कि आप इस कैटेगरी में ऐड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पूछा गया है आपको प्रोडक्ट आईडी। चूंकि प्रोडक्ट आईडी अगर आपके पास EIN नंबर, UPC नंबर या फिर EAN नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन दो फील्ड्स को छोड़ दिया करते हैं। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे आइटम नेम। तो यहाँ पे आइटम नेम हमारा है कैजुअल शूज फॉर मेंस, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। और यहाँ पे ब्रांड जो है, तो यहाँ पे ब्रांड अभी हम फिलहाल के लिए ABS कार्ट लिख दिया करते हैं, तो ये जो कि हमारा ब्रांड रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको डालना है कि कौन सा डिपार्टमेंट तो है, तो यहाँ पे मेंस आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे कलर फिल करना है, तो जैसे कि हमारा कलर है 10, यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये 10 कलर है, यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ये 10 कलर है। एंड देन आता है कलर मैप।
अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको शो होती है, तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि अगर ये कलर मैप आपको समझ नहीं आ रहा है, साइज समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे कलर मैप भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या चीज। तो यहाँ पे आपको कलर मैप डालना है कि क्या क्या कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो मेरे पास सिर्फ 10 ही है, तो मैंने यहाँ पे 10 ऐड किया। एंड देन यहाँ पे साइज, तो आपको साइज जो जो भी आपके पास साइजेस अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे साइज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 6, 7, 8 and 10 यहाँ पे साइजेस हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा कर देते हैं, 6 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, 8 कर देते हैं एंड 10। मतलब जो भी साइजेस आपके हिसाब से अवेलेबल है, अगर वो एक्सेल में है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइजेस डाल सकते हैं एंड देन आता है साइज मैप। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइज 6 है, लेकिन यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है यूरो 40, यहाँ पे यूरो 41, यहाँ पे यूरो 42। तो ये चीज होती है, ये साइज मैप में आती है कि जो अगर आपका 6 साइज है तो वो क्या चीज है। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि यूरो 40 और यूरो 41, इस टाइप से आपको ऐड करना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये चीज़ है क्या। फिर यहाँ पे आपको आउटर मटेरियल वगैरह ऐड करना है, जो भी ये जो फील्ड्स हैं ये सारी फील्ड्स यहाँ पे वेरी हो सकती हैं आपके प्रोडक्ट पे। चूंकि अभी हमने यहाँ पे शूज सेलेक्ट किया है, इसीलिए यहाँ पे हमसे आउटर मटेरियल पूछा गया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये कुछ फील्ड्स यहाँ पे शो ही ना हो, क्योंकि अगर आप क्लोथ्स ऐड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आउटर मटेरियल शो हो। तो ये मैं आपको फिल करके बता रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहां पे ये फील्ड्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो ये आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं, ये सारी चीजें आपकी फिल हो गई। एंड देन आता है आपका वेरिएशन। तो अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है, जैसे कि हमारा वेरिएशन अभी यहां पे क्या है कि आपका एक तो कलर है, दूसरा यहां पे साइज है। अगर आपका भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी कोई एक टी शर्ट है तो टी शर्ट में कलर्स भी हो सकते हैं आपके, और आपके साइजेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे हम साइज और कलर दोनों यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो साइज और कलर यहाँ पे दोनों चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे कलर चूंकि हमारा 10 है और साइज हमारी है 6, 7, 6, 7, 8 and 10। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको कैंसिल कर दिया करता हूँ। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑफर। ऑफर में आपको ये सारी चीजें अगर आप चाहें फिल करना तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंडीशन डालना है, तो आपकी न्यू कंडीशन है, और कंडीशन नोट अगर कुछ है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ में आपका प्राइस डालना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको डालना है कि क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैं डाल दिया करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा प्राइस है ये 2399, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप देखेंगे तो यहाँ पे 763 है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2399, और यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगी 2399। एंड देन यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको डालना है जो कि यहाँ पे 763 है, तो आप यहाँ पे 763 डालेंगे जो आपको सेलिंग प्राइस यहाँ पे डालना है। अगर आपको सेल में नहीं डालना है तो आप सिंपल सा यही प्राइस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेल स्टार्ट डेट डालना है, तो जैसे आज से ही हम शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ 15 दिन या 10 दिन ही चले, वो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। देन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स कोड यहाँ पे ऐड करना है। तो ये प्रोडक्ट टैक्स कोड के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक कोई डिफॉल्ट कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका कोड रहेगा वो आपका प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो यहाँ पे आपका जो भी कोड है वो यहाँ पे आप उस कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे कोई भी, जैसे हमारा 18% है, अगर आपका शूज पे 18% जाया करता है तो आप यहाँ पे ये कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम उसी टाइप से यहाँ पे कोड डालना है, जो भी आपका यहाँ पे कोड है। एंड देन आपको यहाँ पे रीस्टॉक डेट डालना है, तो जो भी आपकी रीस्टॉक की डेट हो सकती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कब आपके पास माल दोबारा आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे गिफ्ट मैसेज अगर आप कुछ डालना चाहते हैं, रैपिंग अवेलेबल डालना चाहते हैं, या हैंडलिंग टाइम आपको ऑलवेज डालना है कि आपको हैंडलिंग टाइम आप कितना दे रहे हैं, और आपका मैक्स टू
मैक्स 2 या 3 डेज होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 डेज कर सकते हैं। एंड देन आता है शिपिंग टेम्पलेट। तो शिपिंग टेम्पलेट में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था लास्ट वीडियो में, अगर आपको समझ में नहीं आया है शिपिंग टेम्पलेट के बारे में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं शिपिंग टेम्पलेट का आपको पूरा फॉर्मेट बता दूंगा कि आपको इजी शिप में कैसे करना है, और अगर आप सेल्फ शिप कर रहे हैं तो वहां आपको रेट वगैरह कैसे हर चीज ऐड करनी है, तो ये चीज मैं आपको फुल डिटेल में बता दूंगा। तो यहां पे जो हमने अभी एक टेम्पलेट बनाया हुआ था माइग्रेटेड टेम्पलेट, वो यहां पे शो कर रहा है, तो वो चीज हमने यहां पे ऐड की है। एंड उसके बाद आता है ऑफरिंग रिलीज डेट, तो आप यहां पे ऑफरिंग रिलीज डेट अगर आपकी कुछ है तो वो आप यहां पे डाल सकते हैं। एंड देन आता है फुलफिलमेंट चैनल, तो यहां पे आपको सेल्फ शिप या फिर अमेजोन इजी शिप आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप अमेजोन FBA करते हैं तो ये आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको प्रोडक्ट जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आपको Amazon के गोडाउन वगैरह में रखवाना पड़ता है, तो यहाँ पे आप इस ऑप्शंस को अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी आपको फिलहाल यही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे कर सकते हैं कि ये सेटिंग आपके सेकेंड टाइम के लिए सेव हो जाए, तो फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे कॉम्प्लेंस। कॉम्प्लेंस में आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, और ये आपको इसलिए ज़रूरी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सेलर्स एक ही चीज़ सेल करते हैं या सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो अमेजोन उन सभी चीज़ों को कंबाइन करके कस्टमर के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, तो ये चीज़ें भी आप फिल कर सकते हैं अगर ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। और आपको मोस्टली वो चीजें जरूर भरनी है जो चीजों में यहां पे स्टार लगा हुआ है, तो अगर इसमें स्टार नहीं लगा है तो आप यहां पे छोड़ भी सकते हैं। अब यहां पे बात आती है इमेजेस की, तो यहां पे आपको इमेजेस अपलोड करनी है जो भी आपकी प्रोडक्ट इमेजेस हैं, तो जैसे कि यहां पे ये हमारी कुछ इमेजेस हैं, तो यहां पे हम ये सारी इमेजेस यहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पे आपको एक मेन इमेज अपलोड करनी है और बाकी आपको यहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से साइड पोज, फ्रंट पोज, लेफ्ट पोज, राइट पोज, बैक पोज, ये सारे पोजेस आपको यहाँ पे ऐड करने हैं ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। प्रोडक्ट तभी सेल होगा जब आप यहाँ पे क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करोगे, क्योंकि कस्टमर आपको नहीं देखता ना आपके प्रेजेंटेशन को देखता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्प्रेशन होता है वो होता है इमेजेस का। तो अगर आपकी इमेजेस अच्छी रहेंगी तो ऑब्वियसली बात है सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपको बैकग्राउंड वाइट रखना होगा मोस्टली में, तो आपको ऐसी जगह पर क्लिक करना है कि आपका बैकग्राउंड वाइट रहे, या फिर आप प्रोडक्ट को फोटोशॉप भी करवा सकते हैं। एंड देन यहाँ पर डालना है आपको कीवर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको सर्च टर्म डालना है, स्टाइल कीवर्ड्स डालना है, साथ में आपको प्लेटिनम कीवर्ड्स डालना है, साथ में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, बुलेट पॉइंट्स डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं आपको, कि बुलेट पॉइंट्स भी यहाँ पे शो होते हैं, एवरी थिंग यहाँ पे चीज़ें शो हुआ करती हैं। तो आपको जैसे शूज़ हैं, तो यहाँ पे हमारे अभी ये जो हैं ये प्रोवोक के शू हैं, तो अगर हम यहाँ पे कैजुअल शूज़ फॉर मेन यहाँ पे टर्म्स डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट जब भी कोई कैजुअल शूज़ फॉर मेंस करेगा तो आपका प्रोडक्ट शो होगा। आप यहाँ पे स्टाइल कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं कि कैजुअल टेन शूज, इस टाइप से आप यहाँ पे कीवर्ड्स डाल सकते हैं, और आप डिफरेंट कीवर्ड डाल सकते हैं, सिर्फ एक ही कीवर्ड्स नहीं, आप यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स डाल सकते हैं। फिर आप यहाँ पे प्लेटिनम कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे सभी की अगर आप लिमिट देखेंगे तो तकरीबन 50 करेक्टर्स होती है। यहाँ पे हम ज़्यादातर में देखेंगे, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं तकरीबन 50 करेक्टर्स यहाँ पे मिनिमम लेंथ है, तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको इसको नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है शिपिंग वेट इसका और बाकी चीज़ें अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है, जो जो चीज़ें आपके पास हैं आपको मोस्टली चीज़ें फिल करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट परफॉर्म करता है। तो आपको ऑलवेज ट्राई यही करना है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। और अगर इनकेस आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ में आपको हेल्प दी हुई है, अगर आपको हेल्प भी समझ नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट उस टाइप का खोल सकते हैं, जैसे कि आपका अगर कैजुअल शूज़ है और कैजुअल शूज़ अगर आपका है और आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो यहाँ पे आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो जो आपको यहाँ पे ऐड करनी मैंडेटरी है। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट में जाएंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी।
मिलेगी, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है, जो इन्होंने ऐड कर की है, वही इन्फॉर्मेशन आपको भी ऐड करनी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। और अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें ये इशू आ रहा है, मैं उसके लिए आपको तुरंत कमेंट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ABS Tech अनंत वैद्य सोनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जो आपको सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।